हेलो फ्रेंड्स, इट इज़ द एजुकेटर्स PIB प्लस हिंदू एनालिसिस 10th अक्टूबर 2017। नोट्स बनाने की हमेशा की तरह चिंता नहीं करनी, डिस्क्रिप्शन में PDF लिंक मिल जाएगा, डाउनलोड कर लेना। ठीक है, रेडी टू गो नोट्स हैं आपके। प्रीलिम्स क्यूज की वीडियोस अपलोड हो गई हैं। ठीक है, ये मत सोचना हमेशा कि एग्जाम से एक महीना पहले, डेढ़ महीना पहले ही क्वेश्चन करने शुरू करेंगे। 10-10, 20-20, 30-30 क्वेश्चन मैं टॉपिक वाइज डाल रहा हूँ। फंडामेंटल राइट्स और करंट अफेयर्स सितंबर के पे डाल चुका हूँ, एंशियंट इंडिया पे 20 क्वेश्चन अराउंड डाल चुका हूँ। तो वो सब देखते रहना साइड बाय साइड, आपको आइडिया लगता रहेगा कि आपकी प्रिपरेशन कहाँ जा रही है और कहाँ आपको और उसको बेटर करना है। क्योंकि जो आपके ये क्वेश्चंस मैं डाल रहा हूँ, इसमें आपके पास्ट ईयर क्वेश्चंस जो हैं वो भी कवर रहते हैं। ठीक है, तो वो ज़रूर देख लेना, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, नहीं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर आप निकाल सकते हो। प्रीलिम्स क्विज़ के नाम से आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। व्हाट्सएप और टेलीग्राम लिंक ज्वाइन कर लेना, कोई भी डाउट हो, कुछ क्लियर करना हो, कोई सवाल पूछना हो, क्वेश्चंस वहाँ पर मैं PDF फॉर्मेट में डाल देता हूँ वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डालने से पहले, तो वहाँ से भी आपको मदद मिल जाएगी। उसके लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स देख लेते हैं फटाफट बिना टाइम वेस्ट करे। GS3, ठीक है, तो सिक्योरिटी वाला जो अपना आर्म फोर्सेज वगैरह का सारा होता है, उसमें टेरिटोरियल आर्मी के बारे में था, क्योंकि इनकी जो रेजिंग अप जो परेड वगैरह होती है वो थी, तो वो अपने लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। अपने लिए इंपॉर्टेंट ये है कि टेरिटोरियल आर्मी के बारे में कुछ सा थोड़ा सा जान लें। इट इज़ अ सिटीजन्स आर्मी ऑफ वॉलेंटियर्स। ठीक है, वॉलेंटियर जो सिटीजन्स होते हैं उनको चुना जाता है इसमें। प्रोवाइड्स एन आइडियल अपॉर्चुनिटी टू द यूथ ऑफ द कंट्री टू रिसीव मिलिट्री ट्रेनिंग। ठीक है, जिनको चुना जाता है उनको मिलिट्री ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है इन देयर स्पेयर टाइम। ठीक है, बाकी वो अपना वैसे ही काम धंधा करते रहते हैं, सिर्फ सेव स्पेयर टाइम में उनको ट्रेनिंग वगैरह दी जाती है और उनको नेशन को सर्व करने का मौका मिलता है नेशनल इमरजेंसी के टाइम पे और इंटरनल डिस्टर्बेंसेस के टाइम पे। ठीक है, इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में एक टेरिटरी आर्मीज एक्ट बनाया गया था, 18 अगस्त 1948 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने बनाया था, जिससे टेरिटोरियल आर्मी का जो है कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था। TA इज़ इन द प्रोसेस ऑफ एक्सपेंडिंग इट्स फुटप्रिंट विद रेजिंग ऑफ 1 इन्फेंट्री बटालियन एट निकोबा एंड एन इकोलॉजिकल टास्क फोर्स बटालियन फॉर ड्रॉट रीजन ऑफ मराठवाड़ा इन महाराष्ट्र। ठीक है, तो अभी हमने देखा कि पहले सिर्फ नेशनल इमरजेंसी और इंटरनल डिस्टर्बेंसीज के लिए होता था, तो अब इसका जो स्कोप, जो ऑपरेशनल स्कोप जो है उसको वाइड करने की बात कर रहे हैं। इसके लिए इकोलॉजिकल टास्क फोर्स एक और ड्रॉट रीजन में मराठवाड़ा वहाँ पर सर्व करने के लिए भी बटालियंस बनाए जाने की बात की जा रही है। ऑल्सो केस फॉर रेजिंग ऑफ 1 composite इकोलॉजिकल टास्क फोर्स फॉर नेशनल मिशन फॉर क्लीन गंगा इज इन द फाइनल स्टेजेस ऑफ अप्रूवल। ठीक है, एक क्लीन गंगा के लिए बनाने की बात की जा रही है। दिस न्यू रेजिंग्स एंड स्पेशली द यूनिट फॉर नमामि गंगे मिशन विल अलाउ द TA टू कॉन्ट्रीब्यूट इमेंसली टू नेशनल कॉज। इन द नियर फ्यूचर द यूनिक स्ट्रेंथ ऑफ TA कुड बी एन आइडियल प्लेटफॉर्म टू बिल्ड नेशनल एफर्ट ड्यूरिंग डिजास्टर मैनेजमेंट। ठीक है, डिजास्टर मैनेजमेंट में इनका एफिशिएंट यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, तो आपका पेपर 3 में अगर डिजास्टर मैनेजमेंट में कोई आप क्वेश्चन आ जाए आपका मेंस में, तो उसमें डाल देना कि टेरिटोरियल आर्मी का एफिशिएंट यूज़ करने की सरकार बात कर रही है, उसको फर्दर जो है प्रमोट करना चाहिए। विथ सावधानी एंड शूरता एज द एम्बलम द 47,000 स्ट्रॉन्ग TA कंप्राइजेज 46 डिपार्टमेंटल यूनिट्स फंडेड बाय मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस एंड 18 डिपार्टमेंटल यूनिट्स फंडेड बाय वेरियस स्टेट गवर्नमेंट्स एंड सेंट्रल मिनिस्ट्रीज लाइक द ऑयल सेक्टर, रेलवे एंड एनवायरमेंट। ठीक है, तो ये इसका फंडिंग का जो है प्रोसेस सारा रहता है। नेक्स्ट, एनुअल दिल्ली सेमिनार। अभी एनुअल दिल्ली सेमिनार क्या है, ये दिल्ली में हो रहा है। दिल्ली, जैसे आप जानते हैं, दिल्ली का पुराना हिंदी में हम दिल्ली बोलते हैं, तो एनुअल दिल्ली सेमिनार ये है क्या? इट इज़ अ एनुअल सेमिनार कंडक्टेड बाय इंडियन नेवल अकेडमी। ठीक है, आपकी इंडियन नेवल अकेडमी करती है एंड इम्प्लीमेंट्स एंड इशूज ऑफ मैरीटाइम हिस्ट्री एंड हेरिटेज ऑफ द नेशन टू हेल्प यंग ऑफिसर्स एंड कैडेट्स कीप एन आई ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट इन मैरीटाइम डोमेन विद अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन ऑफ द पास्ट। तो मेन जो इन सेमिनार का पर्पस रहता है आपका मैरीटाइम हिस्ट्री और हेरिटेज, जो इंडियन ओशन के आसपास के जो देश वगैरह हैं उनकी सारी हेरिटेज और कैसे मैरीटाइम स्ट्रक्चर रहा है, क्या हिस्ट्री रही है, क्या प्रेजेंट है, तो वो सारी जो है इसमें डिस्कशन रहती है। पहली बार नहीं हो रहा है, चौथा एडिशन हो रहा है। ठीक है, इससे पहले इसके 3 एडिशन हो चुके हैं। इस बार की जो थीम है चौथे टाइम की, वो है इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया मैरीटाइम ट्रेड एक्सपीडिशन एंड सिविलाइजेशन लिंकेजेस। ठीक है, अपने को पता होना चाहिए मेनली कि दिल्ली सेमिनार क्या है, ठीक है, कंडक्ट कौन कराता है, मेनली काम क्या है और इसकी थीम क्या है। ठीक है, प्री में अपना 3-4 पॉइंट ऐसे ही आएंगे, अगर आप इसमें से 2-3 भी जानते हो तो आपका आंसर जो है ईजिली निकल जाएगा। उसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे टू इंप्लीमेंट वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम टू प्रमोट यूज ऑफ न्यू टेक्नोलॉजीज मटेरियल एंड इक्विपमेंट इन हाईवे प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो जो मिनिस्ट्री ऑफ रोड है उन्होंने कह दिया कि चाहे अब जो भी हाईवे प्रोजेक्ट लिया जाएगा, रोड प्रोजेक्ट नया शुरू किया जाएगा, चाहे वो PPP मोड के अंडर हो या पब्लिक फंडिंग मोड के अंदर हो, उसमें जो है
इम्प्लीमेंट किया जाएगा आपका वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम। वैल्यू इंजीनियरिंग प्रोग्राम का मकसद क्या है? इट इज़ टू प्रमोट यूज़ ऑफ न्यू टेक्नोलॉजी मटेरियल एंड इक्विपमेंट। ठीक है, नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करेंगे, नए तरह के मटेरियल का प्रयोग करेंगे और नई तरह की इक्विपमेंट्स का प्रयोग करेंगे जितने भी हाईवे प्रोजेक्ट्स अब बनाए जाएंगे उनके लिए। इससे क्या होगा? इससे एक तो एनवायरनमेंट फ्रेंडली हम रोड्स बनाने की बात कर रहे हैं। ठीक है, हम एनवायरनमेंट फ्रेंडली रोड्स बनाएंगे। ठीक है, आप कई बार देखते होंगे जो न्यूज़ में कि भाई हम फ्लाई ऐश को यूज़ कर लेंगे, कि फ्लाई ऐश के यूज़ से जो है एक तो फ्लाई ऐश को डिस्पोज करने का जो अपने पास पंगा होता है वो ख़त्म हो जाएगा और जो रोड्स बनती हैं वो इन्वायरमेंट फ्रेंडली होती हैं। ठीक है, तो ऐसे हम इन्वायरमेंट फ्रेंडली रोड्स बनाएंगे। इससे क्या होगा? कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी कम हो जाएगी क्योंकि फ्लाई ऐश जो होती है वो आपकी बाकी का रोड मटेरियल आपको कम लगता है, उसकी वजह से आपकी कॉस्ट भी कम हो जाती है। इंक्रीज एसेट ड्यूरेबिलिटी, एसेट की जो ड्यूरेबिलिटी है, जो आपका हाईवे चलेगा वो ज़्यादा लंबे टाइम तक आप की ड्यूरेबिलिटी रहेगी उसकी। इम्प्रूव एस्थेटिक्स एंड सेफ्टी। ठीक है, सेफ्टी मेंटेन करने की बात कर रहे हैं, नई तरह की इक्विपमेंट्स यूज़ करेंगे, नया मटेरियल यूज़ करेंगे जो ज़्यादा स्ट्रांग होगा और ज़्यादा सेफ्टी प्रोवाइड करेगा। द रोड मिनिस्ट्री लास्ट ईयर कॉन्स्टिट्यूटेड अ नेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स। ठीक है, एक नेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स बनाया था रोड मिनिस्ट्री ने इसी काम के लिए। इस नेशनल पैनल का काम क्या था? टू अप्रूव प्रपोजल्स विद इनोवेटिव मटेरियल टेक्नोलॉजी एंड इक्विपमेंट। ठीक है, जो भी प्रपोजल है उसमें इनको दिखता है कि हाँ कुछ इनोवेटिव मटेरियल है, कुछ इनोवेटिव टेक्नोलॉजी है, कुछ इनोवेटिव इक्विपमेंट है, तो उसको अप्रूव करने का काम जो था इनका रहता था। इट विल ऑल्सो रिजॉल्व द टेक्निकल इशूज विच अराइज एज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंसिज इन व्यू बिटवीन इंजीनियर्स एंड कंसेशनर्स। ठीक है, अब इंजीनियर जो होता है उसके बीच में और जो कॉन्ट्रैक्टर वगैरह होते हैं उनके बीच में डिफरेंस आ जाता है। इंजीनियर कहता है नहीं नहीं ऐसे बनाओ, कॉन्ट्रैक्टर कहता है नहीं ऐसे बन ही नहीं सकता, तो वो जो सारा डिस्प्यूट होगा वो जो है इनका सॉल्व करने का काम रहेगा। फील्ड ट्रायल्स करने का इनका काम रहेगा और जो भी टेक्नोलॉजी आएगी, मटेरियल आएगा, इक्विपमेंट आएगा, उसको एडॉप्शन से पहले उसका फील्ड ट्रायल करने का जो काम रहेगा और उसको बाद में अप्रूव करने का काम रहेगा वो भी आपका नेशनल पैनल ऑफ एक्सपर्ट्स का रहेगा। नेक्स्ट देख लेते हैं, अब नोबेल प्राइज़ का दौर चल रहा है तो इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ मिल गया है। इकोनॉमिक्स में नोबेल प्राइज़ किसको मिला है? आपके रिचर्ड एच थैलर को, यूनिवर्सिटी ऑफ चिकागो के हैं ये, यूएसए। इनका जो कंट्रीब्यूशन है वो मेनली आपका बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में है। ठीक है, तो बिहेवियरल इकोनॉमिक्स में इन्होंने तीन चीज़ों का जो है वो उनके बारे में इन्होंने जो है थ्योरी थोड़ी सी दी है, वो है लिमिटेड रैशनैलिटी। लिमिटेड रैशनैलिटी में थैलर साहब ने ये कहा है कि इंसान जो होता है वो हर एक प्रोडक्ट के लिए इंडिविजुअल डिसीजन लेता है। ठीक है, वो ओवरऑल अपना डिसीजन नहीं लेता, वो हम लोग ओवरऑल अपना डिसाइड नहीं करते कि हाँ भाई सारी जो हम कमोडिटीज़ मार्केट में परचेज कर रहे हैं उसका ओवरऑल इम्पैक्ट हमारे ऊपर क्या पड़ेगा, हमारी जो सेटिस्फेक्शन है वो क्या पूरी तरह से सेटिस्फाई हो रही है। नहीं, हम सिर्फ इंडिविजुअल प्रोडक्ट को देखते हैं। अगर हम कार लेने जा रहे हैं तो हम सिर्फ कार के बारे में सोचते हैं, हम ये नहीं सोचते कि हम कार ले लेंगे तो हमारी बाकी की जो यूटिलिटीज़ हैं वो कॉम्प्रोमाइज़ हो सकती हैं। ठीक है, तो लिमिटेड रैशनैलिटी है ह्यूमन बींग की। सोशल प्रेफरेंसेज। ठीक है, तो सोशल प्रेफरेंसेज में कहते हैं कि कंज्यूमर्स कंसर्न ऑफ फेयरनेस में स्टॉप बिग फर्म्स फ्रॉम रेजिंग इन प्राइजेस इन पीरियड्स ऑफ हाई डिमांड बट नॉट सो इन टाइम्स ऑफ राइजिंग कॉस्ट। ठीक है, तो ये इनका ये कहना है कि अगर डिमांड बढ़ती है, ठीक है, तो कंज्यूमर की जो कंज्यूमर क्या होगा वो फर्म को कहेगा कि यार तुम्हारी डिमांड बढ़ गई तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम प्राइस बढ़ा दो। लेकिन वही कंज्यूमर अगर कॉस्ट बढ़ जाती है प्रोडक्ट की तो उसमें उसको कोई दिक्कत नहीं होती अगर उसका प्राइस भी बढ़ जाए। लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। ठीक है, सेल्फ कंट्रोल की कमी है। ठीक है ना, सेल्फ कंट्रोल की कमी है जिसकी वजह से क्या होता है, शॉर्ट टर्म में आदमी फालतू का खर्चा कर देता है और उसके पास अपने बुढ़ापे के लिए जो पैसा है वो बचा नहीं ढंग से पाता। तो ये इन्होंने थ्योरी दी थी। मेनली आपको एग्जाम के लिए आपको एक तो नाम याद होना चाहिए, आपको फील्ड याद होनी चाहिए कि कौन सी फील्ड में दिया है, इससे ऊपर ज़्यादा नहीं पूछा जाता है। बाकी थोड़ा बहुत आपको तीन चीज़ें याद ये रख लेनी चाहिए कि लिमिटेड रैशनैलिटी, सोशल प्रेफरेंसेज, लैक ऑफ सेल्फ कंट्रोल। बहुत ज़्यादा डिटेल में घुसने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट देख लेते हैं जीएस टू में क्या क्या था हमारे पास, देख लेते हैं। थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होनी होगा की जा रही है। ठीक है, तो थीम जो इसकी रहेगी वो रहेगी योगा एंड वेलनेस आपकी। इसको ऑर्गेनाइज करेगा जो है आयुष मिनिस्ट्री है वो ऑर्गेनाइज करेंगी एज अ पार्ट ऑफ कमेमोरेटिंग द सेलिब्रेशन ऑफ 21 जून एज इंटरनेशनल डे ऑफ योगा डिक्लेयर्ड बाय यूएन। ठीक है ना, दिस विल बी द थर्ड इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस ऑन योगा ऑर्गेनाइज बाय मिनिस्ट्री ऑफ आयुष। द लास्ट टू इंटरनेशनल conferences on themes of yoga for holistic health and yoga for body and beyond were organized in 2015 and 2016 respectively। ठीक है, तो थीम भी याद कर लेना और ये याद कर लेना कि पहला नहीं है और कौन ऑर्गेनाइज करता है वो सब देख लेना बस। एस सी बैंस सेल्स ऑफ क्रैकर्स इन डेली, ठीक है, विल बी इन प्लेस टिल नवंबर 1। ठीक है, तो इसमें आपको फंडा बता देता हूँ। सुप्रीम कोर्ट ने अभी इसी साल सितंबर 2017 में दिल्ली और NCR रीजन में जो पटाखे होते हैं उनकी सेल को पूरी तरह से बंद कर दिया था। उन्होंने कहा था कि कोई पटाखा नहीं बेचा जाएगा।
ठीक है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, अब जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर आया है, सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि भैया हम दिल्ली और एनसीआर रीजन में नवंबर 1 तक किसी भी दुकान में कोई भी दुकान वाला पटाखे नहीं बेच सकता, ठीक है, कोई भी दुकान वाला पटाखे नहीं बेच सकता, लेकिन नवंबर 1 के बाद जो है वो सेल कर सकते हैं, शॉपकीपर्स जो हैं वो रख सकते हैं। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि हमने जो सितंबर में पूरा ही कम्प्लीटली बैन लगा दिया था वो एक बहुत ही ज़्यादा रेडिकल स्टेप हो गया, ठीक है। अब जिन दुकानदारों के पास पटाखे पड़े हुए हैं, करोड़ों रुपए के पटाखे पड़े हुए हैं, ठीक है, उनका तो इतना नुकसान हो जाएगा, फिर उसके लिए सरकार कैसे कॉम्पनसेट करेगी, गरीब आदमी क्या करेगा उसमें, जो लोन लेकर पटाखे का स्टॉक लेकर आया होगा दिवाली के लिए, ठीक है। तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये बहुत ज़्यादा रेडिकल स्टेप हो जाएगा अगर हम कम्प्लीटली बैन कर देते हैं। तो हम दिवाली तक के लिए बैन कर रहे हैं, हम नवंबर 1 तक के लिए बैन कर रहे हैं, 20 अक्टूबर को आपकी दिवाली है, उसके बाद थोड़े बहुत फेस्टिवल्स हैं, 1 नवंबर तक के लिए हम बैन करते हैं, 1 नवंबर के बाद आप पटाखे रख सकते हैं, और फिर उसको धीरे धीरे होलिस्टिकली हम कंप्लीटली जो है बैन कर देंगे सेल को, ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने अब ऐसा बोल दिया। अब सुप्रीम कोर्ट ने इसके लिए क्या जो है वो कहा, देयर इज वर्चुअली अ कंसेंसस इन सोसाइटी दैट क्रैकर्स शुड बी बर्न ड्यूरिंग दीपावली विच कैन बी सेलिब्रेटेड विद इक्वल फर्वर बाई वेरियस अदर मीन्स एज वेल, कि पटाखे फोड़ना जरूरी नहीं है भैया, कि जब श्री राम आए थे वनवास से तो कोई पटाखे नहीं जलाए गए थे, उस टाइम पर कोई पटाखे नहीं थे। बर्निंग ऑफ दिस फायर क्रैकर्स ड्यूरिंग दीपावली इन 2016 हैड शॉट अप पीएम, जो आपका पर्टिकुलेट मैटर है, लेवल्स बाय 3 टाइम्स, ठीक है, 3 टाइम्स पर्टिकुलेट मैटर बढ़ गया था, तो भैया बहुत दिक्कत है, इसको अब हम नहीं करेंगे, ठीक है ना। तो ये पटाखे वटाखे जलाने से दिक्कत क्या होती है, अब क्यों सुप्रीम कोर्ट ऐसा इतना इसमें इंटरेस्ट ले रही है। एक तो आप जब पटाखे जलाते हो तो क्या क्या रिलीज़ होता है आपका, चारकोल, पोटेशियम नाइट्रेट, सल्फर, ठीक है, सल्फर को ब्लैक पाउडर भी कहा जाता है, टॉक्सिक डस्ट होती है, कार्सिनोजेनिक होती है, कैंसर हो सकता है, ठीक है। स्ट्रॉन्टियम, लिथियम, ये आपका क्या करता है, जो आपकी बॉडी का कैल्शियम होता है ना उसको रिप्लेस कर देता है, और स्ट्रॉन्टियम क्लोराइड जो होता है वो काफ़ी टॉक्सिक भी होता है, ठीक है। फिर बेरियम, ये आपके लिए पॉइजनस होता है, ठीक है, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के लिए दिक्कत कर देता है, रेडियो एक्टिव फॉल आउट हो सकता है, और कॉपर भी यूज़ होता है, तो जो जिससे आपको कैंसर हो सकता है। अभी पिछले साल का कुछ डाटा दिखाया हुआ है इसमें, इस डाटा में क्या जो शो किया गया है कि दिवाली के टाइम पे जो वो था एकदम से वो पीक कर जाता है, ठीक है। आप देखें तो 247 का अक्टूबर 8 के आसपास, पिछले साल अक्टूबर 9 के आसपास की दिवाली थी, तो ये जो है वो एकदम आपका पीक कर जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भैया PM 2.5 है, देखो कितना ज़्यादा बढ़ गया है, इंटरनेशनली भी बोला जाता है कि 25 यूनिट्स एक्सेप्टेबल हैं, लेकिन हिंदुस्तान में कुछ 60 यूनिट्स जो हैं वो हो रही हैं, तो काफ़ी ज़्यादा अपने लिए दिक्कत है। तो उस सबको देखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये जो है रोक लगाई है। नेक्स्ट देख लेते हैं, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स स्कोर हाई इन कर्बिंग इन्फेंट मोर्टेलिटी। तो इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट जो होता है आपका, वो ईस्टर्न और नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में उन्होंने काफ़ी अपना जो है वो डिक्रीज़ किया है। ये कहाँ से हमें पता चलता है, ये हमें पता चलता है जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे है आपका, वहाँ से पता चलता है, और ये सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे जो आपका कौन निकालता है, ये रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया निकालता है, तो आपका ऑथेंटिक डाटा है, सरकारी डाटा है। अकॉर्डिंग टू द SRS बुलेटिन, बिहार विच हैज़ द हाईएस्ट डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन इन द कंट्री हैज़ रिकॉर्डेड अ ड्रॉप ऑफ 4 पॉइंट्स इन IMR फ्रॉम 42 इन 2015 टू 38 इन 2016। तो बिहार ने यहाँ पर इंप्रूवमेंट की है 4 पॉइंट्स की। असम में देखें तो आप 47 से 43 आ गया है, झारखंड में अगर आप देखें तो 32 से 29 आ गया है। तो जो ईस्ट और नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स हैं उन्होंने इंप्रूवमेंट जो है वो की है। ऑल इंडिया अगर हम देखें तो ऑल इंडिया जो हमारा रहा है, उससे पहले वेस्ट बंगाल देख लेते हैं, वेस्ट बंगाल में आपका 26 था 2015 में, 25 हो गया 2016 में, तो 1 पॉइंट कम हुआ है। ऑल इंडिया जो है आपका वो 37 था 2015 में, जो कम होकर 34 हो गया है 2016 में। और ये जो IMR को कम करने की बात थी, ये आपका वन ऑफ द मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स थे, जो 2001 में शुरू हुए थे और 2015 में ख़त्म हो गए थे। इसके हिसाब से जो रिडक्शन हमें करनी थी मोर्टेलिटी में, वो 2/3 करनी थी 1990 से लेकर 2015 तक। उस हिसाब से हमारा 29 के आसपास होना चाहिए था IMR, लेकिन हम इसमें फेल कर गए थे, क्योंकि 2015 में हमारा जो था वो 37 था, तो काफ़ी अच्छे खासे गैप से हम जो है फेल हुए थे। उसके बाद पारसी वुमेन्स प्ली फॉर कॉन्स्टिट्यूशन बेंच। तो अभी तक क्या होता है कि जो पारसी वुमेन्स हैं उनका जो हर रिलीजन का जो एक्ट होता है ना, जैसे हिंदूज़ का अपना है, मुस्लिम्स का अपना है, वैसे पारसीज़ का भी है। तो पारसी वुमेन जो है वो अगर किसी और रिलीजन के आदमी से शादी कर लेती हैं तो वो अपना
रिलीजन जो है अपनी रिलीजियस आइडेंटिटी जो है वो उसको मेंटेन नहीं कर सकते, उन्हें जो उनका हस्बैंड है उनकी जो रिलीजियस आइडेंटिटी है उसको अडॉप्ट करना पड़ेगा। मतलब कि अगर एक पारसी औरत किसी हिंदू से शादी कर लेती है तो वो पारसी नहीं रह सकती, ठीक है, अगर उसकी विल भी है कि वो अपना रिलीजन जो है इंटैक्ट रखना चाहती है, फिर भी वो ऐसा नहीं कर सकती। तो इसके लिए अब जो जज हैं जो एक पारसी वुमेन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, जिन्होंने ये केस डाला है सुप्रीम कोर्ट में, उनका ये कहना है, इंदिरा जयसिंह उनका नाम है, कि डिनाइंग अ वुमेन रिस्पेक्ट एंड द राइट टू ऑब्जर्व हर रिलीजन मेयरली बिकॉज शी मैरिड आउटसाइड हर फेथ वॉज वायलेटिव ऑफ हर फंडामेंटल राइट टू रिलीजन एनश्रीन्ड अंडर आर्टिकल 27। आर्टिकल 27 में कहा गया है कि आपको अपना रिलीजन जो आप प्रैक्टिस करना चाहते हैं, जो आप प्रोफेस करना चाहते हैं, आपको उसका पूरा फंडामेंटल राइट है। उसमें कहीं पे भी नहीं लिखा गया है कि अगर आपने किसी से शादी कर ली तो आपका जो प्रोफेस करने का राइट है वो आपके पास नहीं रहेगा, ठीक है ना। द सीनियर एडवोकेट सेड दैट द डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर, ठीक है, डॉक्ट्राइन ऑफ कवर्चर की उन्होंने बात की, इसका मतलब क्या होता है, विच होल्ड्स दैट अ वुमेन लूजेज हर आइडेंटिटी एंड लीगल राइट विद मैरिज इज वायलेटिव ऑफ हर फंडामेंटल राइट्स, ठीक है। तो ये जो है ये फंडामेंटल राइट्स को वायलेट करता है और इस डॉक्ट्राइन को हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो रिकॉग्नाइज नहीं करता। नेक्स्ट देख लेते हैं, हेयर मार्शल केसेस इन कैमरा सुप्रीम कोर्ट। तो इसमें जो फंडा है मैं आपको फंडा सारा समझा देता हूँ। इसी साल मार्च में सुप्रीम कोर्ट के दो जजेस बेंच ने एक डिसीजन दिया था, उन्होंने ये कहा था कि अगर दो लोग जो डाइवोर्स लेने आते हैं, ठीक है, जब डाइवोर्स लेने आते हैं ना, तो एक तरह का आपका जो ऑर्डर्स दिए जाते हैं, ठीक है, दोनों के बीच में संधि कराने की कोशिश की जाती है, वो फैमिली कोर्ट होते हैं, ठीक है, तो वो फैमिली कोर्ट जो चलते थे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने मार्च में अपने दो बेंच का जो जज था उन्होंने ये कहा कि अगर दोनों जो लोग हैं उनमें से कोई भी, डाइवोर्स लेने वाले जो दो लोग हैं उनमें से कोई भी अगर एक बंदा रिक्वेस्ट करता है कि भाई हमें लाइवली नहीं मिलना, मुझे तो इसकी शक्ल देखना भी नहीं पसंद, ऐसा मामला हो जाता है ना शादी वगैरह में कई बार, तो अगर वो ऐसा कह देते हैं कि भैया मुझे तो इसकी शक्ल भी नहीं देखनी, आप ऐसा कीजिए जो बातचीत करानी है वो आप वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा दीजिए, या ऐसा होता है कि हस्बैंड दूर रह रहा है, वाइफ दूर रह रही है एक स्टेट दूसरी स्टेट, तो आना जाना बड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप जो है वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू करा दीजिए, तो आपको कराना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट ने ऐसा सारे कोर्ट्स को बोल दिया कि कोई फैमिली कोर्ट है या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है जो भी है उनको इनको जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी देनी पड़ेगी। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट के थ्री जजेस बेंच ने इसको ओवर रूल कर दिया है सुप्रीम कोर्ट के पुराने ऑर्डर को। सुप्रीम कोर्ट का कहना है, इट इज़ वेरी डाउटफुल वेदर द इमोशनल बॉन्ड कैन बी इस्टेब्लिश इन अ वर्चुअल मीटिंग ड्यूरिंग अ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एंड इट मे इवन क्रिएट अ डेंट इन द प्रोसेस ऑफ सेटलमेंट। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप इमोशनल बॉन्डिंग को बिल्ड नहीं कर सकते। फैमिली कोर्ट का काम क्या होता है कि वो ट्राई करते हैं कि जो डाइवोर्स है वो ना हो और दोनों में सेटलमेंट हो जाए, लेकिन वर्चुअल कॉन्फ्रेंसिंग में आप जो ये इमोशनल बॉन्ड है ये इस्टेब्लिश नहीं हो पाता, ठीक है। आप जब आमने सामने बैठते हैं तो आप लोगों का एक इमोशनल बॉन्ड अटैच होता है, अगर आप वो चीज़ वीडियो में टॉक कर रहे हैं तो वो आपका इमोशनल बॉन्ड जो है वो इस्टेब्लिश नहीं होता। वट वन पार्टी कैन कम्युनिकेट विद अदर इफ दे आर लेफ्ट अलोन फॉर सम टाइम इज नॉट पॉसिबल इन वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। द एक्सप्रेशन ऑफ डिजायर बाय द वाइफ और द हस्बैंड इज विटल्ड डाउन एंड स्मूदर्ड इफ द कोर्ट डायरेक्ट्स दैट प्रोसीडिंग्स शुड बी कंडक्टेड थ्रू द यूज ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, ऐसा जो है सुप्रीम कोर्ट ने बोला। तो अब से जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू नहीं होंगे मार्शल केसेज में कोई भी डिस्कशन हियरिंग। नेक्स्ट देख लेते हैं, फिक्सिंग द स्टील फ्रेम। तो ये आर्टिकल था, आर्टिकल की थीम थी आपकी सिविल सर्विसेज रिफॉर्म्स। तो इन्होंने प्रॉब्लम क्या डिस्कस किया कि भैया इंडिपेंडेंस के बाद से हमने जो अपना सिविल सर्विस सिस्टम रखा जो अंग्रेज़ों के टाइम पे था उसी को अडॉप्ट कर लिया, ठीक है ना, हमने तो वही अडॉप्ट कर लिया, लेकिन यूके ने अपना जो सिविल सर्विसेज जो स्ट्रक्चर था उसमें देखा कि भाई काफ़ी सारे फॉल्ट्स हैं, जो हेरार्कियल है और सीनियोरिटी पे जो सारे प्रमोशंस हो रहे हैं उन्होंने देखा कि इसमें काफ़ी ज़्यादा फॉल्ट्स हैं और इससे एफिशिएंसी इफ़ेक्ट हो रही है, तो उन्होंने एक कमीशन बनाया जो था फुलटन कमीशन, और फुलटन कमीशन की रिकमेंडेशंस में जो सिविल सर्विसेज हैं यूके में उन्हें रिस्ट्रक्चर किया गया, ठीक है ना। लेकिन हम पुराने ही सिविल सर्विस स्ट्रक्चर के साथ चलते रहे और हमारा जो हेरार्कियल स्ट्रक्चर है और सीनियोरिटी के बेस पे जो प्रमोशन होता है वो अभी तक चल रहा है। एक दूसरी प्रॉब्लम जो सिविल सर्विसेज में सर ने डिस्कस की कि वो ये है कि डिफरेंट फील्ड्स में फ्रीक्वेंटली ट्रांसफ़र होते रहते हैं आईएएस ऑफिसर्स के। फॉर एग्जांपल एक आईएएस ऑफिसर ने 2 साल तक जज किया मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में, ठीक है, 2 साल के बाद आप उन्हें भेज देते हो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में, फिर 2 साल बाद आप उन्हें भेज देते हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में, तो वो किसी भी, अब ये देख रहे हैं आप तीनों का अलग अलग डाइवर्स एरियाज़ हैं वर्किंग के, तो वो डाइवर्स एरियाज़ ऑफ वर्किंग जो है वो उनको किसी भी एक जगह का एक्सपीरियंस अच्छे से नहीं मिल पाता जहाँ पे वो अपनी एक्सपर्टाइज ला पाएँ और अच्छे से काम कर पाएँ। तो इसके लिए सोल्यूशन क्या दिए हैं सर ने,
सोल्यूशन सर ने दो दिए हैं. एक सर ने आर्मी का एग्जाम्पल लिया, सर कहते हैं जो नॉन कमीशनड ऑफिसर होता है, सोल्जर होता है जो इंडियन आर्मी को ज्वाइन करता है, अगर वो एज ए इन्फेंट्री मैन ज्वाइन करता है तो वो अपने पूरे करियर में एज ए इन्फेंट्री मैन ही रहता है, वो कभी भी आर्टिलरी मैन नहीं बनता. ठीक है. दूसरी चीज़, अगर कोई ऑफिसर है, ठीक है, वो हायर लेवल तक पहुंच जाता है, ब्रिगेडियर लेवल तक पहुंच जाता है, तो उसको एक डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज का जो है एग्ज़ाम देना पड़ता है अगर वो आगे प्रमोट होना चाहता है. अगर ये एग्ज़ाम वो क्लियर करता है तो उसे आगे मेजर जनरल वगैरह बना दिया जाता है, नहीं तो वो नहीं बनता और वहीं पर उसकी जो पोस्टिंग है वो रुक जाती है. सर का ये कहना है कि IAS के लिए भी ऐसा करना बहुत ज़रूरी है, जो आपकी हाई पोस्ट्स होती हैं, सेक्रेटरी डायरेक्टर लेवल की जो पोस्ट्स होती हैं, उनके लिए IAS के लिए भी जो है एग्ज़ाम जो है होना चाहिए. जो आपके ऑफिसर्स हैं, जो लोअर लेवल ऑफिसर्स हैं, जो IAS ऑफिसर्स हैं, वो एक पर्टिकुलर लेवल पे पहुंचने के बाद जब आपको डायरेक्टर के लिए सिलेक्शन करना है तो उनके बीच में एग्ज़ाम आपको कराना चाहिए और मोस्ट सुटेबल पर्सन जो है उसको लेकर आना चाहिए. इक्विवेलेंट ऑफ द DSSC वुड बी द अकेडमी एट मसूरी. ठीक है, जैसे DSSC अकेडमी में ये आपका डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज में एग्ज़ाम होता है, वैसे ही आपका जो मसूरी में जहाँ आप IAS ऑफिसर्स बनने के बाद ट्रेनिंग के लिए जाओगे उसी में आपका जो है ये एग्ज़ाम भी कंडक्ट होना चाहिए. और सर ने चेंजेस की क्या बात की, सर कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशनल चेंजेस भी लाने की बात करेंगे. अब जैसे मैंने आपको बताया कि पहले मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भेज दिया, फिर डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी में भेज दिया, तो उसको ठीक करने के लिए सर कहते हैं कि आप चेंजेस लेके आइए, क्लस्टर और सेक्टर्स बना दीजिए. क्लस्टर और सेक्टर्स कैसे बना दीजिए, वो एग्जांपल से समझिए. अब जैसे सिक्योरिटी क्लस्टर आपने बना दिया, सिक्योरिटी क्लस्टर में आप होम मिनिस्ट्री, डिफेंस मिनिस्ट्री, सिक्योरिटी, इंटेलिजेंस, फॉरेन सर्विसेज, एटॉमिक एनर्जी, स्पेस एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ले आए. ठीक है, आपने इकोनॉमिक क्लस्टर बना दिया, फाइनेंस, कॉमर्स, इंडस्ट्री, इंजीनियरिंग क्लस्टर बना दिया, पब्लिक एंटरप्राइजेज, हैवी इंडस्ट्रीज, इलेक्ट्रॉनिक्स, टेलीकम्युनिकेशन, माइक्रो, स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज आप इंजीनियरिंग क्लस्टर में डाल दो. एनर्जी क्लस्टर में आप डाल दो पेट्रोलियम, कोल, पावर, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी. ठीक है, वैसे ही केमिकल क्लस्टर में आप डाल सकते हो केमिकल्स एंड पेट्रोकेमिकल्स एंड फार्मास्यूटिकल्स. ट्रांसपोर्ट में डाल दो रोड, पोर्ट, शिपिंग, सिविल एविएशन, रेलवे. सोशल में डाल दो हेल्थ, इंक्लूडिंग इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, एजुकेशन, सोशल वेलफेयर, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट. रूरल में आप डाल सकते हो रूरल डेवलपमेंट, एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चरल रिसर्च एंड एजुकेशन, खादी, विलेज इंडस्ट्री, कमीशन, वाटर रिसोर्सेज. वैसे ही साइंस एंड टेक्नोलॉजी में आप डाल सकते हो साइंस एंड टेक्नोलॉजी, साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, बायोटेक्नोलॉजी, काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च, अर्थ साइंसेज एंड एनवायरमेंट एंड फॉरेस्ट. तो देख रहे हो आप, आपने सेक्टर्स बना दिए. ठीक है, इन सेक्टर्स में ऑफिसर्स को घुमाते रहो. आप देखोगे कि हर सेक्टर का जो है एक ऐसा नहीं है कि अगर आपने रूरल डेवलपमेंट में एक्सपीरियंस गेन कर लिया तो आप एग्रीकल्चर में जब आपका ट्रांसफर हो एग्रीकल्चर से रिलेटेड एरिया में तो आप काम नहीं कर पाओगे, क्योंकि रूरल डेवलपमेंट होगी तो एग्रीकल्चर में आप, रूरल डेवलपमेंट और एग्रीकल्चर दोनों लिंक्ड हैं. अगर एग्रीकल्चर डेवलप होगा तो रूरल डेवलपमेंट होगी, रूरल डेवलपमेंट होगी तो एग्रीकल्चर इंप्रूव होगा. तो ये जो सेक्टर्स में आपने डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में डिवाइड कर दिया, तो इसमें आप ऑफिसर्स को घुमाओ, उनकी एक्सपर्टाइज बनेगी और वो है बेटर परफॉर्म कर पाएंगे. वंस स्ट्रीम द सिविल सर्विस कैन स्पेंड द रेस्ट ऑफ देयर करियर्स रोटेटिंग विद इन द सेक्टर्स कंसर्न. तो ये सर ने जो है इसके लिए रिकमेंडेशन दी. उसके बाद रोहिंग्याज आर इन्फिल्ट्रेटर्स ICHR नोट. तो ICHR जो आपका इंडियन काउंसिल ऑफ हिस्टोरिकल रिसर्च है, ये एक सेमिनार ऑर्गेनाइज कर रहे हैं टू फ्लैश आउट द डिफरेंस बिटवीन रिफ्यूजीज एंड इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स. तो जो ICHR है ये आपका एक डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप रिफ्यूजीज जो हैं वो अलग होते हैं और इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स जो हैं वो अलग होते हैं. तो ICHR का कहना है कि जो रिलीजियो एथनिक विक्टिम्स हैं, ठीक है, जो नेबरिंग कंट्रीज में आपका पाकिस्तान, बांग्लादेश या जो ऐसा एरिया है, पाकिस्तान बांग्लादेश जैसा जो एरिया है जो पहले इंडिया का पार्ट था, ठीक है, जो भारत का पार्ट था, अगर वहाँ पर जो रिलीजियस माइनॉरिटीज़ हैं या जो एथनिक माइनॉरिटीज़ हैं वो वॉयलेंस विटनेस कर रही हैं और वो इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो दे आर एंटाइटल टू शेल्टर एंड रिहेबिलिएशन इन इंडिया. लेकिन जो बाकी की कंट्रीज़ हैं जो भारत का पार्ट नहीं थी, अगर वहाँ से लोग आते हैं तो वो रेफ्यूजीज़ नहीं, वो इलीगल इन्फिल्ट्रेटर्स हैं. रोहिंग्याज आर सर्टेनली नॉट एंटाइटल टू द रेफ्यूजी स्टेटस. वी हैव अनदर कैटेगरी ऑफ रेफ्यूजीज हु आर इंटरनली डिस्प्लेस्ड लाइक द हिंदू कम्युनिटी फ्रॉम आर ओन कश्मीर वैली. अनफॉर्चुनेटली नॉ रेफ्यूजीज इन देयर ओन लैंड. तो यही जो गवर्नमेंट स्टैंड लेती आई है अभी तक, ये ICHR ने भी वही जो है स्टैंड लिया है. ट्रंप्स इमिग्रेशन प्लान में हेल्प इंडियंस. तो ट्रंप जी ने एक नया एक प्रपोज़ किया है मेरिट बेस्ड सिस्टम. इसमें क्या होगा, जो US प्रेसिडेंट हैं डोनाल्ड ट्रंप, उन्होंने एक मेरिट बेस्ड इमिग्रेशन सिस्टम जो है उसकी बात कही है. इसमें क्या होगा, एक एग्ज़ाम लिया जाएगा और जो एग्ज़ाम को पास किया करेगा उसको US में काम करने का और रहने का जो है
चांस दिया जाएगा। तो इससे अपने जो हाईली स्किल्ड इंडियन वर्कर्स हैं उनको तो फ़ायदा होगा, अगर वो एग्ज़ाम क्लियर कर पाएंगे तो वो इजीली जो है वो काम कर सकते हैं। बट प्रिवेंट्स देम फ्रॉम स्पॉन्सरिंग देयर एक्सटेंडेड फैमिलीज। ठीक है, अब एक आदमी पढ़ लिख के चला गया वहाँ पर, ठीक है, उसको अब अपना परिवार भी लेकर आना है, तो परिवार भी ऐसे नहीं आके रह सकता, परिवार को भी पहले एग्ज़ाम क्लियर करना पड़ेगा, एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता तो वो नहीं रह सकते। तो ये बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप तो IIT इंजीनियर बनकर चले गए वहाँ पर, ठीक है, धंधा मिल गया आपको, आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, लेकिन आपकी फैमिली जो है वो इतनी एजुकेटेड क्या पता ना हो, और वो एग्ज़ाम नहीं क्लियर कर पाएंगे, तो वो वहाँ पर आपको जो है प्रॉब्लम हो जाएगी। अब ये जो नया प्रपोज़ल आया है इसमें कुछ H1B वीज़ा के लिए डिस्कशन नहीं है, ये एक सिंपल जो है ये वाला आपका प्रपोज़ल है। द डिमांड वर डिनाउंस बाई डेमोक्रेटिक लीडर्स इन कांग्रेस हु हैड होप्ड टू फॉर्ज अ डील विद मिस्टर ट्रंप टू प्रोटेक्ट यंगर इमिग्रेंट्स नोन एज ड्रीमर्स हु वर brought to the US illegally as children। ठीक है, तो अभी डाका के बारे में काफ़ी चल रहा था, हमने पिछली वीडियोस में डिस्कस भी की है। तो जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, जो डेमोक्रेटिक पार्टी है सॉरी वहाँ पर US में, जो अभी अपोजिशन में है, उन्होंने ऐसा कुछ प्रपोज किया था ट्रंप साहब को, जो ये कह रहे थे कि जो भी इलीगल इमिग्रेंट्स हैं, जो बच्चे डाका पॉलिसी के अंडर जिनको प्रोटेक्शन दी गई थी, जो बच्चे अपने माँ बाप के साथ आए थे एज इलीगल इमिग्रेंट्स, उनको हम डिपोर्ट कर देंगे। तो उसके लिए ट्रंप साहब ने कहा है कि कोई बात नहीं, डिपोर्ट नहीं करेंगे, आप ऐसा ही है तो आप एक एग्ज़ाम दीजिए, अगर आपने एग्ज़ाम क्लियर कर लिया तो आपको हम यहाँ पर रहने देंगे, अपना जो ड्रीम है आप अपना फुलफ़िल कीजिए। मिस्टर ट्रंप proposed ending extended family chain migration by limiting family based green cards। ठीक है, तो ये एग्ज़ाम के पॉइंट एग्ज़ाम जो रख रहे हैं ये ट्रंप साहब, उससे ये क्या करना चाहते हैं, एक आदमी आता था, ठीक है, ग्रीन कार्ड ले लेता था, अपना पूरा परिवार बुला लेता था, ठीक है, पूरा परिवार 10 लोगों का परिवार बुला लेता था, उनको एक फैमिली बेस्ड ग्रीन कार्ड मिल जाता था क्योंकि उनका बंदा यहाँ पे US में काम कर रहा होता था, और चलो भाई चलो आबादी बढ़ गई देश की। ठीक है, तो इस चीज़ को जो है अब रिप्लेस करने की बात की जा रही है, जो भी बीवी और बच्चों को जो ग्रीन कार्ड वगैरह दिया जाता था फैमिली बेस पे, वो उसको ख़त्म करने की जो है ये बात यहाँ पर कर रहे हैं। अब ये छोटी मोटी न्यूज़ थी जो थोड़ी बहुत, प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया प्रेजेंट्स 2017 वायुश्रेष्ठा सम्मान। तो ये वायुश्रेष्ठा जो सम्मान होता है आपका, ये सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है, ठीक है, तो बस इतना याद रख लेना कि वायुश्रेष्ठा सम्मान जो है वो प्रेसिडेंट देते हैं, और किसको देते हैं, सीनियर सिटीजन्स के लिए होता है। एक राष्ट्रीय संस्कृति महोत्सव आजकल आपका चल रहा है गुजरात में, ठीक है, तो 13 अक्टूबर तक ये चलेगा, एक बार इसको पूरा हो जाने दो, ठीक है, क्योंकि 4-5-6 दिन से चल रहा है और 13 अक्टूबर को ख़त्म हो जाएगा, तब अपने पास सारा डाटा आ जाएगा, क्या कुछ हुआ, क्या कुछ अपने लिए पेपर में से काम का है, तो उसके बाद हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है, अभी नहीं, रोज़ रोज़ देखने का कोई फ़ायदा नहीं है। प्रयत्न पर्व भी आपका 25 अक्टूबर तक चलेगा, काफ़ी टाइम से चल रहा है ये, और इसको भी हम तभी देखेंगे जब ये एक बार ख़त्म हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही था, थैंक यू वेरी मच, सब्सक्राइब करना मत भूलना, ठीक है, ये हमारा चैनल है एजुकेटर्स, इसको आप यहाँ से सब्सक्राइब करोगे वो मत भूलना, और उसके साथ में ये आपका बेल आइकन होता है, आप जब इसको प्रेस करोगे तो आपको रेगुलरली जो है अपडेट्स मिलते रहेंगे जैसे ही मैं वीडियो अपलोड यूट्यूब पर करूँगा। थैंक यू वेरी मच।